अब इन दो फार्मूले से हम लोग एक बहुत बढ़िया रिजल्ट निकालने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने देखो दो फार्मूले पढ़े, कौन कौन से। सबसे पहला तो हमने फार्मूला पढ़ा आई बराबर एन ई ए वी डी, और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा ड्रिफ्ट स्पीड का ई बाई एम इंटू टाउ। दो रिलेशन पढ़े, पहला है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड और दूसरा है वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। अगर दोनों इक्वेशंस को हम यूज कर लें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू अगर हम यहां रख दें, तो जरा सोचो करंट इज इक्वल टू एन ई ए ई बाई एम इंटू टाउ, ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ ई बाई एम, ऐसा बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो बनेगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ टाइम्स आई, सही है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये याद करो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी। भाई ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर पे हमने यहां पर एक सेल जोड़ा था, बोलो भाई, यहां पर प्लस था और इधर माइनस था, इसके बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई थी, यही तो है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर इस सेल का पोटेंशियल वी है या पोटेंशियल डिफरेंस वी के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है बेटा? अगर इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हम मान लें, इसका लेंथ हम एल मान लें, तो बताओ जरा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है? हाँ, ई बराबर वी बाई, पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई बराबर माइनस डीवी बाई डीआर। माइनस तो ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटते हुए पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता है, निगेटिव तो ये शो करता है। ठीक, फार्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, क्लियर है। अगर यही चीज मैं यहां यूज कर दूं तो वी बाई एल इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ टाइम्स आई, सही है। इस एल को भी इधर भेजो तो ये बनेगा v इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ टाइम्स आई। जरा ध्यान से देखो, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। l क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। e है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, a है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और टाउ मीन रिलैक्सेशन टाइम फॉर द कंडक्टर, सही है। क्या ये सब उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है? भाई कंडक्टर का लेंथ, कंडक्टर का एरिया, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए रिलैक्सेशन टाइम, उन्हीं का मास, उन्हीं का चार्ज, तो ये सब किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की और उसके मटेरियल की, बोलो यार। सो ये सब चीजें अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स मटेरियल। इतनी बात समझ में आई? बताओ भाई, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं, जितना भी लिखा हुआ है, ये सब या तो कंडक्टर के लेंथ एरिया पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि उसके आउटर क्या बोलते हैं डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है, और बाकी जो एन है, ई है, एम है, टाउ है, ये सब उसके मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर। ये सब चीजों को ओवरऑल आर बोला जाता है। और चेक करो, यही ओम्स लॉ है, वी बराबर, क्लास 10th में आपको याद कराया गया था ओम्स लॉ क्या है, याद कर लो कि करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर उसको डिराइव किया गया है कि वी बराबर आई आर,
में आर क्या चीज है, आर कहां से आया। उस समय आप लोगों को बोला गया था, याद करो, आर जो है वो एक कांस्टेंट है, बोला गया था प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। और यहां भी आप चेक करिए जो वैल्यूज थी, मैं लिख रहा हूं वी बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ टाइम्स आई, इसमें ये सब चीजें कंडक्टर के डायमेंशन और उसके मटेरियल पर डिपेंड कर रही है, ठीक। तो ये सब का सब कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये क्या चीज है, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहीं से हमारा डिराइव हुआ ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ का अगर ग्राफ आपसे पूछा जाए, जो कि वहां पे आप लोगों को डायरेक्ट पढ़ाया गया होगा 10th क्लास में, यहां पर देखो करंट है, यहां पर पोटेंशियल है, और ये इक्वेशन y बराबर mx टाइप की है। सोचो दिस इज y बराबर mx, तो ये जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर आपसे इसका स्लोप पूछा जाए तो स्लोप क्या होगा इसका, अगर ये y बराबर mx है तो जो m है वही स्लोप है, बोलो यार। तो वो यहां पर कितना है, देखो ध्यान से देखो ना भाई साहब, देखो यहां पर दो ग्राफ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं। बचपन में देखो ये सब खूब रट लिया था, आराम से आपने ग्राफ बनाया होगा, ठीक, और कभी कोई गलती नहीं हुई होगी। लेकिन अब आप सोचो, अगर आपसे कहा जाए पहले केस में यहां आई है यहां भी है, दूसरे केस में यहां भी है यहां आई है, ठीक, और यहां पर आपसे कहा जाए अब स्लोप बताओ। तो देखो अगर हमने लिखा है v बराबर आई आर, ठीक, तो ये y एक्सिस पर है और ये x पर है, तो क्या ये m है, तो इसका स्लोप कितना हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर। बोलो भाई, v बराबर आई आर अगर है तो इस वाले ग्राफ का स्लोप किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर। और यहां पर जरा सोचो, इसको हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, i बराबर v बाई आर लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस बार i कौन सी एक्सिस पर है और x पर कौन है, ये, ठीक है, तो ये 1 बाई आर लिखो, यहां भी लिखो, अब ये हो गया x पर, तो फिर ये क्या चीज है, स्लोप। तो इसका स्लोप क्या है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कुछ समझ में आया, पक्की बात है। रेजिस्टेंस के इस फॉर्मूले को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाऊ ए, चेक करो, यही है। मैंने इसको दो फॉर्म में अलग अलग कर दिया। देखो ये लेंथ और एरिया कंडक्टर की आउटर प्रॉपर्टी है, बोलो, उसका लेंथ है, उसका एरिया, ये बाहर से देखने वाली चीज है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये उसका साइज है, शेप है, डायमेंशन है, क्लियर। लेकिन m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंदर की बात है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अंदर की बात है, मतलब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये जो e है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। tau रिलैक्सेशन टाइम, ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। तो ये जो चीजें हैं, क्या ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, दिस इज मटेरियल प्रॉपर्टी। और ये जो एल बाई ए लिखा है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, इट इज कंडक्टर प्रॉपर्टी, है ना, या हम लिख सकते हैं इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूं किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, दो चीजों पर, पहला ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, ज्योमेट्री मतलब लेंथ एंड एरिया, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, और मटेरियल पर डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्योमेट्री एंड मटेरियल, दो चीजों पर डिपेंड करता है, क्लियर।
आप सबने क्लास टेंथ में रटा होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, वहां रटा था। यहां पर देखो दिख रहा है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए। और प्रोपोर्शनलिटी वाला काम हम तभी लगा सकते हैं जब ये सारी चीजें क्या हो, कांस्टेंट हो, और ये सब कांस्टेंट है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। अगर मैं केवल कॉपर की बात कर रहा हूं तो कॉपर का एन, कॉपर का टाऊ और एम और ई तो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। बोलो ये एन और ये टाऊ, एन का मतलब उस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यूनिट वॉल्यूम में, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब इसे मान लो एक कॉपर है और एक सिल्वर है, दोनों में बताओ किसका एन ज्यादा होगा, सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर इज बेटर कंडक्टर। समझ में आई बात, तो उसका ये ज्यादा होगा। टाऊ की बात करो, रिलैक्सेशन टाइम किस में ज्यादा होगा, सिल्वर में, क्योंकि याद करो मोबिलिटी जो होता है दैट इज ई टाऊ बाई एम। बोलो यार, अगर मोबिलिटी बढ़ाना है तो टाऊ को भी बढ़ाना पड़ेगा, और किसी अच्छे कंडक्टर की प्रॉपर्टी यही है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है, पक्की बात है। इसका मतलब ऑब्वियस है कि रेजिस्टेंस फिलहाल दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, और यहीं से एक फार्मूला आप लोगों का बनता है, अगर आप लोग को याद हो, आर इज इक्वल टू रो एल वाई, ठीक। इसका मतलब ये सब जो लिखा है यही क्या है, रो है। रो का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्लियर है? तो जितना आपने टेंथ में याद किया था, लर्न किया था, वो सब चीजों का डेरिवेशन आपको यहां ट्वेल्थ में बताया गया है, ठीक। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसमें रो क्या होता है, रो इज प्योरली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसीलिए आपको उस समय रटाया जाता है कि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक कंडक्टर है उसका लेंथ दो गुना हो गया, तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, वो भी दो गुना हो गया, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L, लेकिन रेजिस्टिविटी का क्या हुआ, कुछ नहीं, जो था वही है, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पर डिपेंड करती है। आई बात समझ में? वो चीज यहां से आई बेटा कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। भाई रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, तो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर मीटर कट गया, इसका यूनिट क्या आएगा, ओम मीटर। इज इट क्लियर?